हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस और सी सेट के आज की क्लास के अंदर मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ मिसिंग टर्म इन फिगर। मींस कि फिगर के अंदर कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क गिवन होता है आपके पास में, जिसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो उसके साथ में ही आपको कोरस्पॉन्डिंग कुछ फिगर्स गिवन होती है, या फिर आपके पास ऐसा हो सकता है कि टेबल की फॉर्म में डाटा है, कोरस्पॉन्डिंग कुछ नंबर्स आपके पास गिवन है, तो वहां से आप लॉजिक फाइंड आउट करते हो और उस लॉजिक को यूज करके आप क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा वो फाइंड आउट करते हो। ओके, तो मिसिंग टर्म आप ये लगा के चलो, अगर आपने नंबर सीरीज की हुई है तो मिसिंग टर्म आपके लिए काफी ज्यादा इजी हो जाता है, बिकॉज आपको पता चल जाता है कैसे कैसे लॉजिक्स लगते होते हैं। ठीक है, तो अभी देखो प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं हम। कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कि कैसे आप प्रैक्टिस करोगे मेरे साथ में। सभी ने अपने आप सॉल्व करना है और लास्ट में चेक करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताना है कि कितने आपने खुद से कर लिए थे। ओके, क्योंकि एक इजी है टर्म है, आपको सिर्फ क्या करना है कि जैसे यहाँ पे है, क्या है आपके पास में एक टेबल गिवन है और उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ नंबर्स गिवन है। ठीक है, अब उस नंबर के बेस पे आपने थोड़ा सा माइंड में ये देखना है कि जो या तो रो में अगर या फिर कॉलम के अंदर कहीं ना कहीं कोई लॉजिक अप्लाई हो रहा है नंबर्स पे। ठीक है, और सेम लॉजिक ही आपका फिर जो क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे जो गिवन है इसको फाइंड आउट करने के लिए आप यूज करोगे। ओके, जैसे अब यहीं पे क्या है 56, 12, 44, 65 क्वेश्चन मार्क, 14, 78, 30 एंड 48 ये गिवन है। अब देखिए, अब मैं ये सोचती हूँ कि हाँ जी पहले हम कुछ इस तरह से करें कि जैसे फॉर एग्जांपल ये जो है, क्या पता इधर से कोई ना कोई लॉजिक लग रहा हो, ये तीनों नंबर्स आपस में रिलेटेड हो, ये तीनों नंबर्स आपस में रिलेटेड हो, ये तीनों नंबर आपस में रिलेटेड हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है। एक बार मैं तरीका बता रही हूँ डायरेक्ट, अदरवाइज मैं डायरेक्टली भी आपको आंसर बता सकती थी, बट नहीं, पहले एक बार देखो कि हाँ जी क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा तो कैसे आपने सोल्व करना है। सेम वे आप ऐसे फाइंड आउट करो कि हाँ जी क्या पता इधर कोई ना कोई लॉजिक अप्लाई हो रहा हो, इधर कोई ना कोई लॉजिक अप्लाई हो रहा हो। अब देखो लॉजिक के अंदर क्या होगा, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिविजन मेनली यही चीजें होती है, या फिर स्क्वायर क्यूब स्क्वायर रूट क्यूब रूट। माइंड में रखो क्या क्या हो सकता है आपके पास, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का लॉजिक हो सकता है, या इसके अलावा स्क्वायर क्यूब का लॉजिक हो सकता है, स्क्वायर रूट क्यूब रूट का लॉजिक हो सकता है। ठीक है, और उनको अगर फर्दर कुछ ऑपरेशन उनके ऊपर परफॉर्म हो सकता है। ठीक है, तो अब जैसे अगर मान लो मैं यहीं पे बात करूं तो यहाँ पे अगर हम ऐसे देख रहे हैं तो प्लस माइनस करके भी कोई नंबर नहीं बन रहा, सारे नंबर्स ना ज्यादा ज्यादा आ रहा है। जैसे यही है, इसमें से अगर इसको माइनस करते हो तो बहुत छोटे टर्म्स आती है, इसमें से इसको माइनस करते नहीं आ रहा। ठीक है, अब अगर मैं कॉलम वाइज देखूं तो कॉलम वाइज हमें यहाँ से ये पता चल रहा है कि अगर मैं 56 के अंदर से 44 को माइनस करती हूँ तो मेरे पास क्या आता है, 12 आता है। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि अगर मैं 56 के अंदर 12 माइनस करती हूँ तो मेरे पास 44 आता है। बात एक ही है, अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क मिड में है, दैट मीन्स व्हाट कि अगर मैं मिड की टर्म की बात करूं तो हम ये कह सकते हैं कि मैं 56 के अंदर से अगर 44 माइनस करती हूँ तो मेरे पास 12 आता है। ओके, अब सेम लॉजिक दूसरे कॉलम पे हम अप्लाई करते हैं। देखो जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे अगर हमने क्या देखा कि अगर मैं 78 के अंदर से 48 को माइनस करती हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, 30 आ रहा है। दैट मींस व्हाट कि लॉजिक यहाँ पे क्या लग रहा है आपके पास में कि जो ये वाला है आपका फर्स्ट रो के अंदर जो डाटा है उसके अंदर से अगर मैं थर्ड रो को माइनस करती हूँ तो मेरे पास सेकंड रो आती है। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि हाँ जी सेकंड फर्स्ट में से अगर सेकंड को माइनस करते हो तो थर्ड आता है। ओके, तो यहां पे आप देखिए अपने पास में फिर क्या आएगा, 65 क्या है हमारे पास में, हाँ जी क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, 65 के अंदर से अगर मैं 14 माइनस कर देती हूँ, 14 माइनस कर देती हूँ तो मेरी टर्म आ जाएगी, तो ये आपके पास में क्या आ गया, 51 क्या आ गया हमारे पास, 51। दैट मींस व्हाट कि 51 विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ जी बताओ, कोई इसमें डाउट आ रहा हो, अगर समझ आ रहा है, अगर समझ आ रहा है तो शेयर जरूर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे सभी। और ये हमारी जो क्लास है ये एग्जाम स्पेसिफिक क्वेश्चन से रिलेटेड चल रही है, तो इसको सभी ने ज्वाइन करना है, इसकी कोई चार्जेस नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलो जी सेकेंड क्वेश्चन आ गया, ज्यादा बातें नहीं करते। हाँ जी सेकेंड क्वेश्चन है, अब इसको खुद से सोचिए, आप सोचो जरा क्या हो सकता है। अब यहाँ पे वही बात है, अगर मैं माइनस करती हूँ तो मेरा डाटा नहीं बन रहा, अगर मान लो मैं 9 से 4 माइनस कर रही हूँ तो भी 6 नहीं बन रहा है मेरे पास में। ठीक है ना, अब देखो कैसे करेंगे, सोचिए जरा। हाँ जी शाबाश
शाबाश शाबाश, जल्दी से सोचेंगे। अब जरूरी नहीं है कि सेम ही नंबर आपको प्लस माइनस करना, उसके साथ में कुछ आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। हिंट दे दिया मैंने, हाँ जी। देखिए अब यहाँ पे अगर मान लो मैं बात करती हूँ, अगर हम यहाँ पे हमारे पास जो टर्म है ये क्या है, फोर, फोर आ रही। अब यहाँ पे एक और देखो, आप एक और टर्म देखो, यहाँ पे जो टर्म है ये क्या है, नाइन है, और ये टर्म है सिक्स। किसी तरह से आप इन दोनों टर्म्स को कुछ मतलब कुछ रूल अप्लाई करके एक टर्म से दूसरी टर्म को लेके आ सकते हो। देखो, हाँ जी सोचो जरा, थोड़ा सा सोचेंगे। शाबाश, हाँ जी शाबाश शाबाश। हाँ जी देखिए देखिए, शाबाश, थोड़ा सा सोचो, अदरवाइज डायरेक्ट आंसर बताने में कोई हर्ज नहीं है, मैं तो एक सेकंड लगाऊंगी आपको, बट थोड़ा लॉजिक खुद से लगाओ। कॉलम पे नहीं लग रहा तो रो पे देख लो, अगर कॉलम पे नहीं बन रहा तो रो पे देख लो कि हाँ जी इन तीनों से कुछ बन रहा, इन तीनों पे हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करें तो ये बन जाए हमारे पास। शाबाश सोचो। अब देखो यहाँ पे अगर मान लो, अगर मान लो अपने पास में ये जो टर्म है, फर्स्ट टर्म देखते हैं, ये फोर है, अगर मैं इसके अंदर 16 ऐड कर दूं तो मेरे पास 20 आ जाएगा, 20 आ जाएगा। सेम वे अगर मान लीजिए मैं 9 के अंदर 6 ऐड कर दूं तो मेरे पास 15 आ जाएगा। आया कुछ अभी लॉजिक माइंड में, क्या हो रहा है यहाँ पे, हाँ जी क्या हो रहा है, बट ये 16 कैसे आया, 16 कैसे आया कि इसके साथ में 2 को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने और फिर उसके बाद में इसको ऐड कर दिया। देखो बन रही है टर्म, हाँ जी बन रही है। देखो अब यहाँ पे सेम यहाँ पे अप्लाई करोगे, इसको मल्टीप्लाई किया 12 आ गया और ये 6 आ गया, दोनों को हमने ऐड किया कितना आ गया हमारे पास, 18 आ गया। ओके तो क्या जाएगा आपके पास, 18 विल बी द करेक्ट आंसर। तो क्या कर रहे हैं हम, हाँ जी थर्ड कॉलम को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, फर्स्ट कॉलम के अंदर सेकंड कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड कर रहे हैं। ओके हाँ जी चलो नेक्स्ट देखते हैं, कुछ समझ आ रहा है तो नेक्स्ट बताओ, जल्दी से सोचो सोचो। शाबाश मींस व्हाट, कि आप कॉलम पे भी अप्लाई कर सकते हो, रो पे भी अप्लाई कर सकते हो, रो कॉलम डायगोनल कहीं पे भी जहां से आपको लगे कि हाँ जी सेम रूल कहीं पे दो जगह हमारा अप्लाई हो रहा है, सेम रूल अप्लाई हो रहा है। अब जैसे यहाँ पे ये देखो क्या बन रहा है बेटा, ये क्या है 27, ठीक है, ये है 144 और ये है 68। अगर मान लो मैं इस तरह से कुछ अप्लाई करती हूँ तो मेरे पास में बताओ कुछ बन रहा है। अब 27 अगर मान लो इधर से कुछ देखें तो कुछ बन रहा हो, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ गया, 14, और इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या आ गया, 27। चलो अब देखो बन रहा कुछ, मीन्स व्हाट कि जो आपके पास में फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो, रो बेटा ये है ठीक है, कॉलम्स ये होते हैं, तो ये जो रो है ये किस तरह से है आपके पास में, अगर मान लो मैं फर्स्ट रो को देखूं, फर्स्ट रो के अंदर सेकंड रो को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में ऐड कर देती हूं तो मेरे पास में क्या आ जाएगी, थर्ड रो का डाटा आ जाएगा। तो यही करना है हमने, अब जल्दी से आंसर बताओ मुझे, आंसर आना चाहिए जल्दी से, क्या आ रहा है देखो, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे कुछ फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क पे क्या था R1, दैट मींस कि क्वेश्चन मार्क प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया, 64 = 68, दैट मींस कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 4। ओके और यू कैन से कि हाँ जी इसके अंदर से इसका डबल माइनस कर देंगे तो ये वाली टर्म आ जाएगी, यही तो हो रहा है। देखो 144 के अंदर से अगर मैं 90 माइनस करती हूँ तो मेरे पास 54 आ जाएगा, या फिर आप ऐसे कह दो 54 के अंदर अगर हम 90 प्लस करते हैं तो भी हमारे पास 144 आ जाएगा। ओके तो जैसे मर्जी आप सोच सकते हो इसको, तो यहाँ पे अपने पास आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 4 आ जाएगा। ओके चलो जी नेक्स्ट देखिए, अब जरूरी नहीं है कि आपके पास जो डाटा आएगा, जो भी आपके पास में फिगर आएगी, हमेशा वो रो और कॉलम के फॉर्म में आए। अभी जो 2021 के अंदर पेपर हुआ था है ना, तो उसके अंदर सी सेट के अंदर कॉलम रो के फॉर्म में ही डाटा था, तो इसलिए मैंने टेबल के अंदर आपको कुछ क्वेश्चन सोल्व कराए। अब देखो दूसरा देखते हैं,
दूसरा देखते हैं हम सर्कल की फॉर्म में, यहाँ पे डाटा है सर्कल की फॉर्म में, यहाँ पे है डाटा, देखो कुछ सर्कल गिवन है। अब जब इस तरह से डाटा होता है तो क्या होता है कि आपस में ना, आपस में ये एक दूसरे के साथ में कुछ रिलेटेड होते हैं। देखो ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, कुछ इस तरह से सर्कल चलेगा। तो अगर नंबर सीरीज करिए तो ये आपके लिए बड़ा इजी है, बड़ा ही इजी है ये। देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, हाँ जी यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो जल्दी से बताओ। देखो अगर मान लो इस फोर को, पहले हमारे पास फोर है, ठीक है, अगर मैं फोर को टू से मल्टीप्लाई करती हूँ और मैं उसके अंदर वन ऐड करती हूँ तो मेरे पास क्या बन रहा है, नाइन बन रहा है, सेकंड टर्म बन रही है। मैं यही कह रही हूँ, फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म जनरेट हो रही है। अब देखो अगर मैं नाइन को बेटा टू से मल्टीप्लाई करती हूँ, कितना आ गया हमारे पास, नाइन को टू से मल्टीप्लाई किया 18 और इसके अंदर हमने टू ऐड कर दिया तो कितना बन गया आपके पास में 20। अब आप कहोगे मैंने वन क्यों ऐड नहीं किया, आपने टू क्यों ऐड किया, उसका रीजन यहाँ पे यही है क्योंकि हमें ये वाली टर्म जनरेट करनी है, इससे ये वाली टर्म कैसे बन रही है, ठीक है। अब लॉजिक हमारे पास में क्या लग रहा है कि हर बार मल्टीप्लाई तो हम टू से ही कर रहे हैं पर एडिशन क्या हो रही है, वन टू थ्री फोर ऐसे चल रहा है, ठीक है। देखो 20 मल्टीप्लाई बाई टू करेंगे तो कितना आ गया 40 और 40 के अंदर अगर मैं 3 ऐड करती हूँ तो क्या आ गया 43, है ना। सेम वे 43 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा कितना आ गया 86 और 86 के अंदर अगर आप 4 ऐड करते हो तो कितना आ गया आपके पास 90। सो आई होप नेक्स्ट टर्म सभी की बन गई होगी। क्या करेंगे हम नेक्स्ट टर्म के लिए, क्या होगा 90 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया बेटा 180 एंड व्हेन वी ऐड 5 इन 180 देन वी विल गेट 185। ओके दैट मींस 185 विल बी द करेक्ट आंसर। क्या आ जाएगा 185 विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है, हाँ जी समझ आया सभी को क्या हो रहा है यहाँ पे, क्लियर। नेक्स्ट देखिए फिर, हाँ जी नेक्स्ट आप देखो यहाँ पे सर्कल की फॉर्म में है, तीन सर्कल गिवन है आपके पास में और यहाँ पे आपके पास में कुछ इस तरह से है कि जो फर्स्ट सर्कल के ऊपर जो लॉजिक अप्लाई हो रहा है वही लॉजिक सेकंड में अप्लाई हो रहा है और वही आप थर्ड में अप्लाई करके क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा ये फाइंड आउट करोगे। ओके तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो पहले लॉजिक देखते हैं, सबसे पहले पहले वाले में देखते हैं कि कोई भी नंबर हमारा कैसे जनरेट हो रहा है, कुछ हमें आइडिया मिल जाए उससे, ठीक है। तो उसके अंदर क्या करेंगे हम इन सभी नंबर्स को अप्लाई यूज करेंगे, सभी नंबर को यूज करेंगे और फिर हम देखेंगे कि कहीं से कुछ बन रहा है। तो यहाँ पे देखो बेटा अगर मान लो मैंने क्या बताया, क्या लॉजिक लगा सकते हो आप प्लस, अगर ये आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो थोड़ा सा लॉजिक फाइंड आउट करने में आपको टाइम लगेगा बट मैं आपको तरीका बता रही हूँ कैसे आप फाइंड आउट करोगे। ओके प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन और डिविजन, एक तो ये वाला है, ये चारों के चारों ऑपरेशन आप परफॉर्म करके देख सकते हो। दूसरा क्या हो सकता है आपके पास में, स्क्वायर क्यूब और यू कैन से स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, डन। तो सबसे पहले तो ट्राई करा करो कि हाँ जी प्लस माइनस चेक करें पर जल्दी से कर लेना है तो टाइम नहीं लगाना। क्या करना है अब जैसे यहीं पे है, अगर हम कुछ प्लस माइनस देखें यहाँ पे हमारे पास में तो क्या आ रहा है, अगर मान लो अब देखो अगर मैं इस दोनों को प्लस करती हूँ 9 इधर करते हैं 13 में से 9 गया तो 8 13 और 9 अगर हम देखें तो हमारा 22 बन रहा है, दैट मीन्स कि ये नहीं लग रहा है लॉजिक, है ना। अगर हम दूसरा देखें तो अगर बेटा इसको और इसको हम ऐड करते हैं कितना बन रहा है 7, इसको और इसको ऐड करते हैं कितना बन रहा है 15 और दोनों का अगर हम डिफरेंस देखें मीन्स 15 में से अगर मैं 7 माइनस करती हूँ तो मेरे पास 8 बन रहा है। ओके तो लॉजिक मिल गया हमें, यही तो था, यही तो लॉजिक हमने फाइंड आउट करना था। क्या लॉजिक मिला हमें कि अपोजिट जो टर्म्स है उनका ऐड करो, ऑपोजिट टर्म्स को ऐड करो और दोनों का डिफरेंस निकाल दो, यही हो रहा है 20 प्लस 10 30, 8 प्लस 6 14, कितना आ गया हमारे पास 16, डन। अब यही हम अप्लाई करेंगे जो हमारा क्वेश्चन वाली फिगर है, क्वेश्चन वाली फिगर ये है, ठीक है। तो अब यहां पे अगर मैं देखूं तो इन दोनों का अगर हम ऐड करते हैं तो कितना आ गया 23 और इसके अंदर से इन दोनों का एडिशन दैट मींस कि 9 को अगर मैं माइनस करती हूं तो मेरे पास क्या आ गया 14, That means what? कि यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 14। बताओ कोई डाउट आ रहा हो, मिसिंग टर्म इंपॉर्टेंट है सीसेट पॉइंट ऑफ व्यू से, सभी ने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेने क्योंकि ये ना एग्जाम में जल्दी से लॉजिक नहीं मिलता इसका, बच्चों को होता यही है कि वहां पे थोड़ा बच्चा पजल हो जाता है और कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे देखो ऑटोमेटिकली आपके पास लॉजिक निकलने लग जाएगा। देखो अभी नेक्स्ट आप खुद से करोगे, एक बार जल्दी से सोचो, जल्दी से देखो
नेक्स्ट है हमारे पास में सिंपल है, एक सर्कल है उसके अंदर, और सर्कल जो है वो पाई चार्ट की तरह डिवाइडेड है और उसके अंदर, बट पाई चार्ट नहीं है यहाँ पे, मैंने पाई चार्ट वर्ड यूज कर दिया तो कंफ्यूज नहीं होना कि हाँ जी मैडम ने पाई चार्ट, नहीं पाई चार्ट नहीं है, आई मीन टू से कि स्लाइसेस के अंदर डिवाइडेड है, ओके okay? और हर एक स्लाइसेस के अंदर कुछ नंबर गिवन है, वो नंबर क्या कह रहे हैं देखो, अब अगर हम यहां से देखें लॉजिकली तो ये देखो बेटा, ये इससे ये जनरेट हो रहा है, इससे ये जनरेट हो रहा है, हर बार क्या हो रहा है, टू प्लस हो रहा है, टू प्लस हो रहा है, फिर प्लस टू हो रहा है, देन अगेन प्लस टू हो रहा है, तो इसमें भी अगर हम प्लस टू करेंगे तो क्या आ जाएगा 28, और नेक्स्ट टर्म के लिए अगेन क्या है प्लस टू है, मीन्स वट कि यहाँ पे अपने पास में आंसर क्या बन गया, बिल्कुल सिंपल था, 28 विल बी द करेक्ट आंसर, क्या आ जाएगा 28 विल बी द करेक्ट आंसर, ओके नेक्स्ट देखो, हाँ जी अब देखो शाबाश, अब खुद से सोचो थोड़ी देर सोचो, अब यही यहाँ पे आपके पास में रेक्टेंगल की फॉर्म में डाटा है, ये भी हो सकता था कि यही इसको सर्कल में ले देते और ये जो डाटा है वो सर्कल के अंदर लिख देते जैसे लास्ट क्वेश्चन के अंदर था, इट डजंट मैटर, फिगर पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि हाँ जी हाँ डिफरेंट फिगर आ गए, ऐसा कुछ नहीं, वहां पे जो डाटा है उस पे कॉन्सेंट्रेट करो, अब यहाँ पे बताओ सोचो कुछ, अभी मैंने आपको बताया प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, जल्दी सोचो शाबाश, आई होप आ गया होगा माइंड में लॉजिक, आई होप लॉजिक आ गया होगा माइंड में सभी के, क्या हो रहा है यहां से, क्या हो रहा है बेटा मल्टीप्लाई बाय 1, 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10, 10 इंटू 3 इज इक्वल टू 30, 30 इंटू 4 इज इक्वल टू 120, दैट मीन्स कि हर बार हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, कॉन्जिक्यूटिव नंबर से, नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पे 4 के बाद क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई होगा, सीधी सी बात है, ये देखो ना 3 इंटू 4, अब नेक्स्ट टर्म में क्या करोगे मल्टीप्लाई बाई 5, तो 120 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास में कितना आ गया 600 आ गया, ओके अब बात आती है कि हाँ जी नेक्स्ट के लिए भी एक बार चेक करना चाहिए, अगर बीच में आगे नंबर है तो, अगर हम आगे देखें तो नेक्स्ट टाइम में क्या होगा 6 से मल्टीप्लाई होगा, और 600 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास में नंबर क्या आ रहा है, दिस इज 3600, दैट मीन्स कि बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट आ रहा है हमारा, तो यहाँ पे क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे 600 आएगा, ठीक है क्या आएगा 600, हाँ जी बताओ समझ आ रहा है, डन नेक्स्ट देखिए फिर नेक्स्ट करिए, चलो सोचो जल्दी से शाबाश शाबाश, जैसे अभी हमने सर्कल किया था, सर्कल के अंदर कुछ प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन किया, तो सेम वे यहाँ पे भी कुछ अप्लाई करेंगे, सोचो एक मिनट सभी देखेंगे क्या बन रहा है, अब जैसे यहीं पे ही है, क्या है आपके पास में 1525 और यहाँ पे बीच में है 30, ठीक है 8, 10, 6 और यहाँ पे है 12, इसी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है और ये आपको फाइंड आउट करना, जल्दी सोचो कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करो, कोई भी टर्म को आप प्लस माइनस कर सकते हो, कोई भी टर्म को प्लस माइनस कर सकते हो, देखो आ रहा कुछ लॉजिक, देखिए अगर मान लो यहां पे हम देखें तो मेरे पास 30 बन रहा है ना बेटा, अगर मैं सभी को ऐड करती हूं तो मेरे पास 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 20 40 बनेगा, दैट मीन्स कि सभी का एडिशन तो नहीं हो रहा है, बट अगर मान लो हम ऐसा कहें कि भाई 15 में से मैं 5 को माइनस करूं कितना आएगा 10, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आएगा 10, और इस 10 के अंदर मैं 20 को ऐड करूं तो मेरे पास 30 आ जाएगा, हाँ बिल्कुल आ जाएगा, तो अब हम दूसरे पे भी देखते हैं कि सेम जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो हो रहा है, अगर सेम लॉजिक दूसरे पे भी अप्लाई कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या होगा कि थर्ड पे भी हम सेम अप्लाई कर सकते हैं, सेकंड पे देखो अगर मान लो बेटा इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं तो डिफरेंस कितना बन रहा है हमारे पास 2 बन रहा है 6 एंड 8 का, इस तरह से 15 और 5 का डिफरेंस देखा है मैंने, ओके अब इस 2 को अगर मैं इस 10 के अंदर ऐड करती हूँ 2 प्लस 10 इज इक्वल टू 12, ओके तो अब यहां पे थर्ड के अंदर देखो फिर क्या आएगा, तो थर्ड के अंदर क्या आएगा जल्दी से बताओ, थर्ड में क्या आएगा, अब मुझे यहां पे बेटा क्या चाहिए 2 चाहिए, 2 चाहिए हमें, क्या कर रहे थे हम दोनों का डिफरेंस करके इसके अंदर से जो ये वाली जो टर्म है इसके अंदर हम ऐड कर रहे थे, ऐड कर रहे थे हम, तो अब अगर यहां पे हम देखें तो कितना आएगा यहां पे ऐड करने के बाद 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, दैट मींस कि यहां पे आपके पास में क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए देखो जल्दी से बताओ, 2 कैसे बनेगा, अगर मैं 8 के अंदर से 6 को माइनस करूंगी जब मेरा 2 बनेगा ना, है ना, तो यहां पे देखो जल्दी से बताओ,
जल्दी जल्दी सोचो सोचो, शाबाश। आया कुछ आंसर? आया, क्या कर रहे? देखो इसमें से मैं इसको माइनस कर रही हूँ और इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, यही कर रहे हूँ। तो यहाँ पे भी हम करेंगे, इसके अंदर से अगर मैं इसको माइनस करती हूँ, मींस अगर मैं कहूँ कि क्वेश्चन मार्क ही ले लेते हैं, चलो अगर मैं कहूँ कि भाई ये क्वेश्चन मार्क है, इसके अंदर से मैं इसको माइनस कर रही हूँ और उसके बाद में ये 8 ऐड कर रही हूँ, तो मेरे पास में क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। दैट मीन्स व्हाट? कि क्वेश्चन मार्क के अंदर से अगर मैं 2 माइनस करूँ तो 2 आएगा, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा? 4। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 4। देखो अप्लाई करके, अभी मैंने यही तो कहा कि 6 करेंगे, तो 6 कैसे बनेगा? यहां पे बताओ 6 कैसे बनेगा, माइनस का 6 कैसे बनेगा 10 में से? अगर मान लो सीधा सीधा ही था, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको क्या कि बेटा 6 माइनस करेंगे तब 2 बनेगा, तो 6 कैसे बनेगा? यहां पे माइनस 6 कैसे बनेगा जब इसमें से हम इसको माइनस करेंगे? ओके, नेक्स्ट देखिए, जल्दी से बताओ। चलो नेक्स्ट आप देखो, आपके पास में जो डाटा है गिवन है, जल्दी से अप्लाई करो, कोई सारे नंबर्स को अप्लाई करके देखो कि कैसे बन रहा है कुछ। जल्दी से अप्लाई करो, क्या कर सकते हो? प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, कोई भी अप्लाई कर लो, ठीक है, कोई भी लॉजिक अप्लाई कर लो। बट उस लॉजिक को अप्लाई करने के लिए के बाद में कोई भी पर्टिकुलर एक नंबर बनना चाहिए ना। हाँ जी, करो 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 करो। अब देखो यहाँ पे हमें पता है भाई 104 आ रहा है, 104 आ रहा है, ठीक है। अब अगर मान लो मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तब भी नहीं बनता, 17 × 7 = 119 और ये हो गया 35, ये भी नहीं बन रहा ना, माइनस करके भी नहीं बन रहा। और अगर मान लो हम इधर से देखें तो भी नहीं बन रहा है, 104 कैसे बनेगा? अगर हम देखें बेटा 100 में अगर हम 4 ऐड कर दें तो हमारे पास में 104 बन जाएगा। ये पॉइंट दिखा आपको? तो 104 100 × 4 से बन रहा है, ठीक है ना। अब 100 और 4 हम कैसे लेके आ सकते हैं? अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लेती हूँ, 17 से 7 गया बेटा, कितना बचा? 10। सेम वे अगर हम इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो 7 में से 5 गया 2, इसका स्क्वायर किया और इस 2 का स्क्वायर किया, तो अभी मैंने क्या कहा आपको, क्या बन रहा है? 100 प्लस 4 बन रहा है ना। तो 100 प्लस 4 मैं माइंड में लेके आई, 100 प्लस 4 में कैसे बना सकते हैं, ठीक है ना। तो उसी तरह से नेक्स्ट पे अप्लाई करके देखो कि हाँ जी सेम रूल अप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट पे अगर हम अप्लाई करते हैं तो देखो इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं हम, कितना है हमारे पास? 15। हाँ जी, 32 में से 7 गए, कितना बचा? 15 ही बचेगा, इतना ही बचेगा बेटा। हाँ, तो अब उसके बाद में हमारे पास में अगर हम इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो हमारे पास में वैल्यू क्या बन रही है? हाँ जी, वैल्यू क्या बन रही है? वैल्यू क्या बन रही है आपके पास में? ये बन रहा है बेटा जी आपके पास में 13। बट इन दोनों का स्क्वायर करते हैं तो फिर तो 100 बन नहीं रहा, 100 नहीं बन रहा। तो मैंने यही बताया कि सेम ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने यहाँ पे देखा और मेरा रूल अप्लाई हो गया तो सेम रूल मैं यहाँ पे अप्लाई कर लूँ, नहीं। मेरे पास जब 3 फिगर गिवन है तो मैं तीनों पे पहले जो मिड फिगर है उसमें भी चेक करूंगी कि सेम रूल अप्लाई हो रहा है। बट यहाँ पे देखो ये तो बन रहा है, तो अब दूसरे तरीके से सोचते हैं, थोड़ा सा दूसरे तरीके से क्या सोचते हैं कि भाई अगर मान लो मेरे को तो 100 और 2 का मतलब 10 स्क्वायर और 2 स्क्वायर चाहिए तभी बन रहा है। तो अगर ऐसा कहूँ मैं, यहाँ पे कलर चेंज करके बता देती हूँ कि बेटा ऐसे अगर मैं देखूँ तब भी तो मेरे पास में डिफरेंस 2 बन रहा है, और अगर हम ऐसे देखें तो मेरे पास डिफरेंस 10 बन रहा है। अब इसी तरह से अगर मैं सेम इस पे अप्लाई करती हूँ, इस पे अप्लाई करते हैं तो इनका जो दोनों का डिफरेंस है वो क्या बन रहा है? 6 बन रहा है। और अगर इन दोनों का मैं डिफरेंस देखूं तो ये कितना गया बन रहा है? 12 में से 4 गए 8। क्लियर? अब देखो करो स्क्वायर, 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर अगर आप करते हो तो अब देखो कितना बन गया आपके पास में, दिस इज 100। और यहां पे भी क्या है? 100। इससे हमें क्या पता चला? क्या पता चला कि ऐसा नहीं है कि फर्स्ट पे मुझे कुछ मिल गया तो उसको एज इट इज आप जो क्वेश्चन फिगर है उस पे अप्लाई कर दो, नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक फॉर द सेकंड फिगर कि सेम लॉजिक अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है।
ओके तो अब देखो सेम, अब मुझे क्या पता चला कि भाई डायगोनली ये जो डायगोनल है इन दोनों का डिफरेंस निकाल के उनका स्क्वायर करना है। ओके इस पे भी अप्लाई हो रहा है, ब्लू वाला चेक करो आप, ब्लू वाला चेक करो, ठीक है इसको भूल जाओ। अब देखो डन, तो अब सेम ही उधर अप्लाई करेंगे अपोजिट डायगोनल पे। तो अगर हम इधर से देखते हैं बेटा, तो यहाँ पे हमारे पास में डिफरेंस कितना बन रहा है 8 का, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास डिफरेंस कितने का बन रहा है 4 का। दैट मीन्स व्हाट, कि नंबर क्या बनेगा 4 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, डन कितना आ गया 16 प्लस 64 दैट मीन्स दिस इज 80। क्या आ जाएगा 80 विल बी द करेक्ट आंसर। बताओ इसमें कोई भी माइनर सा डाउट आ रहा हो, क्लियर है? क्लियर है? अगर समझ आ रहा है तो शेयर जरूर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में, सभी शेयर करेंगे। और ये फ्री टेस्ट, फ्री सीरीज है जिसके अंदर हम आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस करवा रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सीसेट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वैसे तो अगर हम लॉजिकल रीजनिंग या क्वांट देखें तो बेटा बहुत क्वेश्चन मिल जाएंगे आप लोगों को, बट जो सीसेट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं आप लोगों को करवा रही हूँ, और जिसमें से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन अक्सर आते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट है आपके पास में अगेन एक टेबल है बेटा, जल्दी से देखें, टेबल है। अभी तक जो टेबल थी वो आपके पास में नाइन ब्लॉक की टेबल थी, अभी यहाँ पे आपके पास में 12 ब्लॉक की टेबल है। जल्दी से देखो क्या हो रहा है। हाँ जी क्या हो रहा है, जल्दी देखो, कुछ प्लस माइनस करेंगे, कुछ प्लस माइनस करेंगे, कुछ मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, स्क्वायर क्यूब करेंगे, फाइनली कुछ ना कुछ आपका निकल आएगा। जल्दी से देखो, हाँ जी जल्दी से लॉजिक फाइंड आउट करो बेटा। हाँ जी देखिए, देखो अब यहाँ पे अगर दो बातें हो सकते, क्या करेंगे, या तो ऐसे चेक करेंगे लॉजिक या फिर ऐसे लॉजिक चेक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो आप यहाँ पे इजीली देख रहे हो, क्या देख रहे हो कि अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास में टर्म क्या आ रही है, टर्म क्या आ रही है बेटा, देखो 45 आ रहा है, और इसके अंदर से अगर मैं इस 7 को माइनस कर दूं तो क्या आ गया 38, और यहाँ पे क्या है 38 है, डन। सेम वे इसके ऊपर भी अप्लाई करके देखो, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास टर्म क्या आ गई 99, और 99 में से अगर मैं 22 को माइनस करती हूँ तो मेरे पास टर्म क्या आ रही है 77। सेम अब आप अप्लाई कर सकते हैं थर्ड वन पे, थर्ड वन पे भी अप्लाई करते हैं, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ गया 165, और अगर मैं इसके अंदर से 5 को मल्टीप्लाई करूँ तो बेटा क्या आएगा 160, कितना आएगा 160, दैट मीन्स कि 160 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके क्लियर, नेक्स्ट देखिए, देखो अगर समझ आ रहा है वेल एंड गुड, ठीक है। प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी अवेलेबल है, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि हाँ जी एक और वीडियो इस पे आप लोगों को चाहिए तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि मैडम प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन हमें और चाहिए। ओके चलो नेक्स्ट बताओ, अगेन आपके पास में रो कॉलम की फॉर्म में डाटा है, टेबल की फॉर्म में डाटा है, जिसके अंदर कि हमारे पास में 12 ब्लॉक है। अब देखो जल्दी से अप्लाई करो कि क्या हो रहा है, जल्दी से अप्लाई करो कि ये जो टर्म है वो कैसे बन रेट हो रही है। अगर ये दोनों टर्म हमें मिल गई तो सेम लॉजिक हम यहां पे अप्लाई कर देंगे, सेम लॉजिक हम यहां पे अप्लाई कर देंगे। ओके या फिर ऐसा है कि इसी से ये टर्म फाइंड आउट कर लो, या फिर ये टर्म फाइंड आउट कर लो, ये टर्म फाइंड आउट, कोई भी मीन्स रो कॉलम में कोई भी टर्म आप फाइंड आउट कर लो, कोई लॉजिक अप्लाई करो और फिर उसके बाद में देखो। जल्दी से बताओ बेटा, शाबाश। अब देखो यहां पे ज्यादातर केसेस में हम क्या करते हैं कि जो मैक्सिमम वाली टर्म होती है ना उसको हम यूज करते होते हैं, है ना, उसको हम यूज करते हैं कि भाई इसको कैसे फाइंड आउट किया जाए, है ना। तो अब देखो यहाँ पे अगर मैं देखूं, हाँ जी देखिए, अगर हम यहाँ पे देखें कि ये है 20, 20 में से 10 गया 10, 10
10 में को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो बेटा 40 आ रहा है, ये तो नहीं लॉजिक लगेगा, ठीक है। अगर ये देखें हम तो ये हो गया 15 15 20, ये भी नहीं लॉजिक लगेगा। हाँ अगर ऐसे कर सकते हैं, 40 कैसे बन रहा है, ऐसा हो सकता है इसको मैं अगर इसके साथ डिवाइड कर दूं, क्या आ गया 20 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो क्या आ रहा है हमारे पास में, 4 आ रहा है, और उस 4 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इस टर्म के साथ तो क्या बन गया 40, ठीक है। अब सेम लॉजिक मैंने क्या कहा, जब भी लॉजिक जैसे भी माइंड में आता है आपके वैसे ही क्या करना है, जहां पे क्वेश्चन मार्क नहीं है पहले उस पर अप्लाई करके देखो कि सेम दूसरे पे अप्लाई हो रहा है, जो इस कॉलम पे अप्लाई हो रहा है वो इस कॉलम पे अप्लाई हो रहा है, क्या कर रहे हैं हम। देखो मैंने क्या किया बेटा, इसको इसके साथ में डिवाइड किया, 20 को डिवाइड किया मैंने 5 से, ओके, और उसको मैंने सेकंड के साथ में इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया मेरे पास 40 आ गया, ठीक है। सेम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं, देखो अगर मैं 36 को 4 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ कितना आ गया हमारे पास में 9, और उस 9 को अगेन मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम डिवाइड कर रहे हैं बेटा, फिर उसके साथ में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं अगर 8 से तो हमारे पास क्या बन रहा है 72 बन रहा है, ओके। सेम अप्लाई करना है, सेम यहाँ पे अप्लाई करना, करो जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी से बताओ क्या आएगा फिर। हाँ जी देखिए, अब यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करने के बाद में मेरे पास में टर्म आ रही है, मेरे पास में टर्म आ रही है, तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि क्वेश्चन मार्क है मींस व्हाट, कि अगर मैं इसको इसके साथ में डिवाइड करती हूँ और उसके बाद में इस 16 के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो क्या आ रहा है मेरे पास में 64 आ रहा है। एक तरह से ये मेरा एक एक्सप्रेशन बन गया है, अब इस एक्सप्रेशन को आप सोल्व कर लो, ये हो गया बेटा 16 चौके 64, 4 से अगर मैं देखूँ तो कितना हो गया 12, और ये आ गया क्वेश्चन मार्क, क्या आ जाएगा आपके पास में 12 आ गया, 12 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो अब देखो बिल्कुल सही है, कोई बताओ इसके अंदर डाउट आ रहा हो, कोई भी माइनर सा डाउट आ रहा हो, डन, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी उससे पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, देखिए बेटा जी अगर आप लोगों को कहीं पे सी सेट की प्रिपरेशन करते टाइम पे ये लग रहा है कि मुझे कंप्लीट कोर्स की रिक्वायरमेंट है ताकि मुझे अलग अलग जगह पे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है कंसेप्ट ना ढूंढने पड़े, क्योंकि अगर हम यूट्यूब पे जाते हैं तो अलग अलग जगह पे आपको बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है, और हमारे माइंड में आता है कि हाँ जी ये भी कर लें, ऐसा नहीं है। इससे अच्छा अगर मान लो हम स्पेसिफिकली जिस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर मुझे कोई कंप्लीट कोर्स मिल जाए, ऐसा अगर आपके माइंड में है, इन दैट केस अभी पीडिया आपके लिए कंप्लीट कोर्स लेके आए जिसके अंदर आपका कंप्लीट सिलेबस कवर करवाया जाएगा, ओके। वीडियो कोर्स है, हर एक वीडियो लेक्चर के साथ में आपको पीडीएफ अटैच्ड मिलेगी, स्टडी नोट्स अटैच मिलेंगे और एक टेस्ट अटैच मिलेगा, ठीक है, जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया गया उसके अकॉर्डिंग आपका टेस्ट भी होगा। तो ये आपका कंप्लीट कोर्स है जिसके अंदर 158 लेक्चर्स हैं। अब दूसरा कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे वो कहेंगे कि लॉजिकल रीजनिंग तो इजी है, मैं इजीली कर लेता हूँ, बट मुझे क्वांट के अंदर दिक्कत आती है, तो उस केस के अंदर आप सिर्फ क्वांट ले सकते हो, ठीक है, इसके अंदर 80 लेक्चर्स हैं, सिर्फ क्वांट ले सकते हो। सेम वे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि यार लॉजिकल रीजनिंग के अंदर मुझे प्रॉब्लम आती है, मैं लॉजिकली सोच नहीं पाती हूँ, ठीक है, तो उसके लिए आप लॉजिकल रीजनिंग ले सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास में 72 लेक्चर्स लॉजिकल रीजनिंग के। सेम वे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि आजकल ना सी सेट के अंदर ना पैराग्राफ अजीब से आने लग गए क्वांट इंग्लिश के अंदर, ठीक है, तो वहां पे जो इन्फ्रेंस वगैरह है कंक्लूजन उसका मुझे पर्टिकुलर तरीके से अच्छे से तैयारी हो जाए, मेरी वो पॉइंट्स मैंने सीखने हैं, तो उसके लिए आप सिर्फ इंग्लिश ले सकते हो। इंग्लिश के 6 लेक्चर है जो कि सिर्फ उसी को फोकस कर रहा है कि हाँ जी जिस तरह के क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं, ठीक है ना, इन्फ्रेंस कंक्लूजन, ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन के लिए आपके पास में इंग्लिश के 6 लेक्चर है, आप ये भी ले सकते हो। इसी तरह से बेटा अब ये तो हो गया हमारे पास में कोर्स से रिलेटेड डाटा, दूसरा जिसके अंदर अभी आप लेक्चर देख रहे हो ये है हमारे पास एग्जाम स्पेसिफिक सीरीज जिसके अंदर 35 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, बाकी के लेक्चर जैसे जैसे क्लासेस होती जाएंगे ऐड होते जा रहे हैं, तो इसके अंदर भी जो एग्जाम से रिलेटेड मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लग रहे हैं वो मैं आप लोगों को करवा रही हूँ, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं एंड दिस इज टोटली फ्री। दूसरा एक प्रीवियस ईयर कोई क्वेश्चन सीरीज भी है जिसके अंदर 6 ईयर्स के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करवाए गए हैं, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो, अगेन दिस इज टोटली फ्री।
ओके। अब बाकी के कोर्स अगर आप लेते हो तो उस केस में आप बेटा ये कूपन अप्लाई करेंगे, ये कूपन अप्लाई करेंगे तो आपको फ्लैट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आप इसको अप्लाई कर सकते हो, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कहते, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं, इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि नहीं मुझे तो सिर्फ टॉपिक्स देखने हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ नंबर सिस्टम सिर्फ मुझे चाहिए, बाकी का तो मुझे आता है, या फिर जिन जिन टॉपिक्स में से मुझे प्रॉब्लम आ रही है सिर्फ मैं उनको पहले अलग से नोट डाउन कर लेती हूँ, फिर उसके बाद उन टॉपिक को प्रिपेयर कर लेंगे, लाइक नंबर सिस्टम हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया आपके पास में, ठीक है, सिलोजियम हो गया, तो इस तरह के कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें से क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं नंबर सिस्टम में, 10 से 12 क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम के अंदर, तो आप उस तरह से क्वेश्चन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा माइक्रो कोर्सेज के अंदर, ठीक है। और माइक्रो कोर्सेज के अंदर मैथ्स, मैथ्स के अंदर मैथ्स के हर एक टॉपिक अवेलेबल है, के वीडियो लेक्चर्स, स्टडी नोट्स, और आप कह सकते हो कि आपके पास प्रैक्टिकल क्वेश्चन सभी अवेलेबल है। आगे भी फर्दर आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपको क्या चाहिए, सेम वे लॉजिकल रीजनिंग है बेटा, डिसीजन मेकिंग है एंड इंक्लिंग कॉम्प्रीहेंशन है, तो आप उसको भी ले सकते हो। तो एक बार सभी ने डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक्स को एक्सप्लोर जरूर करना, एक बार देखें कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और वो रिक्वायरमेंट क्या हम पूरी कर पा रहे हैं, ओके। और फिर भी अगर कोई भी आपको डाउट आता है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो इन दैट केस कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। जब आप कोर्स पेज पे जाते हो तो वहां पे इंक्वायरी के लिए नंबर अवेलेबल है, आप वहां से इंक्वायरी कर सकते हो, ओके। सो स्टूडेंट्स, इट वॉज ऑल फॉर टूडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, थैंक यू सो मच।